हाय गाइस व्हाट्स अप। सो आज ये जो व्लॉग मैं डाल रहा हूँ जो आप लोग देखने जा रहे हो अभी, ये जब हम लोग कार लेने के लिए जा रहे थे दिल्ली, ये तब का व्लॉग है। पर मैं तब नहीं डाला था किसी रीजन से, पर अब मैं डाल दिया हूँ। सो वॉच इट। मैं जा रही हूँ दिल्ली। ओके, डोंट ट्राई टू कैप्चर मी इन योर वीडियो, ओके? ठीक है समरिया, डोंट ट्राई टू कैप्चर मी। हाउ डेयर यू टू कैप्चर मी इन योर। क्या बोला तूने? Can you? You don't have right. Vishal saying you don't have. Right. I have all the rights. No. You don't have right to take me. Yeah. Your English is from Uttar. As if you are from Uttarakhand. I should charge you. $500. Only $500. $500 for 10 seconds. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वाह। For 10 seconds, $500. I charge $500 for 10 seconds. Yeah. So guys, today. Hi guys, what's up? So today we are going to Delhi. और आज जिस काम से जा रहे हैं, वो बहुत ही amazing काम है। I am gifting something to myself. और मेरे साथ मनीषा भी जा रही है वॉशरूम। एज यू ऑल नो, बिग बॉस के घर में भी जितना वॉशरूम में टाइम वो लेती थी, यहाँ पे भी उतना ही टाइम लेगी। मुझे पता है, इसलिए मैं जाने से पहले उसको बोला हूँ कि फटाक से आना, क्योंकि फ्लाइट चली जाएगी और तू वॉशरूम में ही रह जाएगी। देखिए, मैं पिछले 15 मिनट से यहाँ स्टेयर केस पे बैठा हूँ विद लगेज, और मनीषा अभी भी वॉशरूम में ही है। अभी उसको कॉल कर रहा हूँ। देखिए, आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। हेलो मनीषा, तू पागल है क्या? फ्लाइट छूट जाएगी यार। अरे वो मीटिंग हो गया था, एक आ रहे दो। क्या हुआ? बोले थे ना, मन अजीब लग रहा है, हमारे दोस्त। फ्लाइट छूट जाएगी 25 मिनट पहले, वो बंद हो जाता है। एक पांच की फ्लाइट है, हर टाइम कोई ना कोई बहाना रहता है इसका, सिर्फ वॉशरूम में बैठने का। आज का ये वॉमिट हो रहा है, आती रूम से। वेट इंतजार। देखिए वो सामने से आ रही है मनीषा। देखिए सिर्फ इससे मैं पूछता हूँ कि ये क्या कर रही थी वॉशरूम में। क्या कर रही थी वॉशरूम में? वॉशरूम में क्या कर रहा है? आदमी तो करता है, तू लड़की है, तू क्या कर रही? तू औरत है ना, तू आदमी है, क्या कर रही थी बता? पब्लिक जाना चाहती है सब, तेरा कॉल आ गया। योगा कर रही थी, वॉमिट कर रही थी, सब पता है, कॉल ब्लॉग में था कॉल। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मनीषा फ्लाइट पे अपनी पोटली में क्या क्या रखती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और क्या रखी है पोटली में? एप्पल। There's one more apple. इसका देखिए, इसका रबड़ देखिए। What's wrong in this? देखा इसमें क्या है? One apple keep people healthy. अरे गाँव में नहीं है, लेके जाते हैं घर में से, गांव से अचार लाया था, अचार का डब्बा लेते हैं, फ्लाइट में लेके बैठते हैं, वहीं से पैसे लेके हर थोड़ी थोड़ी देर पे अपना पोटली खोल रहे हैं। आपने लाइक व्यूज के लिए कितना गिर जाएगी। इसके पोटली में क्या क्या है? क्या क्या है इधर भी है? देखिए क्या क्या है इसमें, है शैम्पू, कुछ अच्छा, और इसमें प्रोटीन बार, इसमें हाज बोला। 5-6 मिनट ले जा रही है क्या? No, हाज बोला ज्यादा जरूरी है, दिन भर आधा टाइम तो वॉशरूम में रहती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। और इसके बाद ये देखिए, इसके वॉशरूम जाने का राज। बात तो सही है। अरे हटिए, वो डिस्टर्ब मत कीजिए यार। ये देखिए मनीषा रानी इसी में अपनी शक्ल देखती है।
तो फाइनली वी हैव रीच्ड दिल्ली विद योर मनीष हवाने यही गाड़ी है आजा आ रहा है सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप सब लोगों से जो भी मनीषा के फैंस हैं जो मनीषा को प्यार करते हैं जो उनकी वजह उसकी वजह से मुझे प्यार करते हैं मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मैं उनको ये बात बोलना चाहूँगा कि मैं कोई भी मस्ती मजाक करता हूँ ना अगर मनीषा से तो वो कुछ ऐसा किसी को डिमीन करने के लिए या उसको उसकी बेइज्जती करने के लिए या आप लोग को हर्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करता हूँ हमारा ऐसा रिलेशन है हमारी ऐसी दोस्ती है कि मैं वो मिलती है तो मेरे से मजाक करती है मैं मिलता हूँ तो मैं उससे मजाक करता हूँ इसमें कुछ भी ऐसा मेरे मन में कुछ गलत नहीं होता है कि मैं कुछ गलत इंटेंशन से कर रहा हूँ ताकि आप लोग हर्ट हो या वो चीज़ वायरल हो मैं एक नॉर्मल मैं विदाउट कैमरा भी मैं उसके साथ वैसा ही रहता हूँ और कैमरे के सामने भी वैसे ही रहता हूँ मेरी वैसी दोस्ती ही नहीं है उसके साथ कि मैं कुछ जानबूझ के पब्लिसिटी के लिए या मैं ये मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ में बहुत लोग ऐसे जुड़े हैं जिनसे मैं चाहूँ तो जिनके साथ जुड़ करके जिनके साथ वीडियो डाल करके मैं पब्लिसिटी ले सकता हूँ पर मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ मेरा जिनके साथ दिल से कनेक्शन होता है दिल से रिश्ता होता है ना मैं उनके साथ ये सब चीज़ें करना पसंद करता हूँ अब वो आप लोग को लगता है कि मनीषा फेमस है मनीषा आज की डेट में इतना उसका नाम हो गया है तो मैं इसलिए शायद कर रहा हूँ ताकि मैं फेमस हो जाऊँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे जो ऑफ कैमरा फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी मैं वैसा ही हूँ उनके साथ भी मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ पर उस चीज़ को कोई माइंड नहीं करता इसलिए क्योंकि वो लोग नॉर्मल हैं उनके लिए कैमरा उनकी वो इस इंडस्ट्री से दूर उनको ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं इसलिए आप लोग उस चीज़ को जज नहीं करते हो पर अगर वही सेम चीज़ मैं मनीषा से मस्ती मजाक कर देता हूँ तो वो आप लोग को बुरी लग जाती है बट वो भी गलत नहीं है आप लोग बहुत सही हो आप लोग का वो प्यार है उसके लिए इसलिए आप लोग उसको हर जगह से प्रोटेक्ट करते हो जो कि बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ पर मैं कुछ गलत इंटेंशन से कुछ भी नहीं करता हूँ अब ये व्लॉग भी जो मैंने डाला है आज इसमें मैंने जो भी मस्ती करी है ये सिर्फ हमारी एक दोस्ती है जो हम उस कंफर्ट जोन को हम दोनों शेयर करते हैं तो मैं वो चीज़ें बोल देता हूँ पर इस चीज़ को गलत वे में कोई मत लेके जाया करो आप लोग आप जितने भी लोग मनीषा से प्यार करते हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन फील है उन सबको मैं बहुत प्यार करता हूँ उन सबको मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं दिल से रिस्पेक्ट मनीषा को करता हूँ इसीलिए मैं आप सब लोगों को करता हूँ तो अगर स्टिल अगर कुछ भी मेरे से ऐसा भूल चुक हुआ हो कुछ मैंने कुछ गलत ना चाहते हुए भी कुछ गलत चीज़ें पोर्ट्रे हो गई हो तो उसके लिए दिल से सॉरी लव यू